नमस्कार, स्पिन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए गए थे। दरअसल एक वीडियो आई थी और वीडियो कॉल के जरिए देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर का चेहरा नजर आ रहा था और वो 500 करोड़ की डील यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने इस वीडियो को दिखाते हुए जांच की बड़ी मांग की थी। अब कांग्रेस पार्टी ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है और ईडी दफ्तर के बाहर एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। दरअसल आपको ये बता दें कि इंडिया कांग्रेस यूथ के जो कार्यकर्ता हैं वो सीधे सीधे तौर पर ईडी दफ्तर के बाहर जाते हैं और बड़ा हंगामा करते हुए नजर आते हैं। इस वीडियो में देखिए कि क्या कुछ कह रहे हैं। सभी लोगों को डिस्पर्स करने के लिए पूरा बल। सर, आप लोगों को इजाजत नहीं दी गई थी यहाँ पर, क्या क्यों आ रहे हो इस तरीके से? और सबको एक कानून है, मोदी अमित शाह बीजेपी वाले को एक कानून है। इस तरीके से ईडी अंधे रुपया मेरे हो चुका है। जैसे कि आपने देखा, उनका सीधे तौर पर यह दावा है कि ये सरकारी एजेंसियां जांच क्यों नहीं करती हैं। उन्होंने कहा है कि अब देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर के खिलाफ एक बड़ी जांच होनी चाहिए और जांच की मांग को लेकर एक बड़ा हंगामा ईडी दफ्तर के बाहर यहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता करते हुए नजर आए। और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का ये कहना है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राज चलता है नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, और उनके जरिए ही सारे काम किए जाते हैं। अब एक एक करके इन तमाम नेताओं को, तमाम कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में ले रही है। लेकिन इसी बीच बड़ा हंगामा ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस पार्टी का जो देखने को मिला, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें लगातार अब यहां पर बढ़ती हुई नजर आएंगी।